बैक गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेल रहे रिटेल स्टोर सिमुलेटर और गाइस ये उसका पार्ट 4। और आपको पता ही होगा हम लोग इस गेम को भाई लिटरली में काफी दिनों से खेलते हुए आ रहे हैं, रोजाना इसके न्यू एपिसोड आते रहते। तो क्या आपने सारे एपिसोड देखा या फिर नहीं देखा तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो। बाय द वे गाइस वीडियो के अंदर रिकैप दे देते, तो गाइस ये देख सकते हो ये है हमारा स्टोर जहाँ पे हम लोग, मतलब तुम लोग इसको किराना स्टोर भी बोल सकते हो। जैसे कि गाइस आप लोग पता ही होगा बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर स्टोर होता है, यानी सुपर मार्केट होता है, ये कुछ इसी तरीके का सुपर मार्केट है। ये है रेफ्रिजरेटर जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर मैंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था जो कि गाइस काफी महंगा मुझे पड़ा था। और इसी के साथ मेरे गेम के अंदर टोटल हो चुके हैं लेवल 5 मेरे, जहाँ पे डॉलर का राइट हैंड पे आप लोग देख सकते हो लेवल 5 हो चुके। पर गेम के डेवलपर ने अभी लेवल 3 के आ गई कुछ भी भाई मतलब नया नहीं ऐड किया। तो अभी तक गाइस अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि गाइस गेम के डेवलपर को और आप लोग वीडियो को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर कर दो। और इसी के साथ गाइस हम लोग अपने शॉप को करते हैं ओपन। और फिलहाल के लिए गाइस मैं आज एक अनलॉक करने वाला हूं। देखो गेम के अंदर एक न्यू अपडेट आया था, तो न्यू अपडेट के अंदर हुआ क्या था, तो देखो एक और न्यू अपडेट आ चुका है। फाइनली नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे दिखला देता हूँ, जिसके अंदर हमारा एक यहाँ पे फर्नीचर के यहाँ पे सेक्शन के अंदर हमारा एक वेंडिंग मशीन आया हुआ है। तो अभी मैं इसको परचेस करने वाला हूँ। वेंडिंग मशीन के अंदर आप लोग देख सकते हो लिखा क्या, वेंडिंग मशीन इज फॉर प्रॉफिट ऑटो फिल से। यहाँ पे हमारा जो भी आइटम होगा तो वो ऑटो फिल हो जाएगा। तो अभी मैंने एक वेंडिंग मशीन मंगा लिया, क्योंकि भाई मैं देखना चाहता हूँ ये वेंडिंग मशीन से हम लोग कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर गाइस मैंने टारगेट दिया था मतलब $1000 के अंदर, पर हम लोग गाइस काफी कम मतलब वो टारगेट उतना ज्यादा भाई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसी बात में हमने गाइस यहाँ पे, और ये चीज को मैं बाहर रख सकता हूँ क्या? ओके गाइस आई थिंक मैं इसको बाहर रख सकता हूँ, वेंडिंग मशीन है ना, नहीं आई थिंक लगता है इस वेंडिंग मशीन को हमें अपने शॉप के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो लेट्स गो, अभी हम लोग जो अपना वेंडिंग मशीन है ये फाइनली मैंने इधर प्लेस कर दिया। अभी क्या है, मैं अपने शॉप के अंदर जो भी आइटम मंगाऊंगा तो वो ऑटो फिल हो जाएगा, मतलब हमें अपने स्टोर रूम पे रख देना तो वो जो भी आइटम होगा वो ऑटो फिल हो जाएगा, लोग यहाँ पे आके अपनी सामान को खरीद सकते हैं। तो अभी मुझे इस वेंडिंग मशीन को चेक करना है कि गाइस ये वेंडिंग मशीन काम किस तरीके से कर रहा है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑटो रिफिल आइटम्स जस्ट प्लेस इन द शॉप। ओके गाइस मुझे अपने जितने भी मतलब देखो अभी मैं यहाँ पे कोक के 5 कैन मंगा लेता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे मैं अभी थोड़ा बहुत सामान मंगाने वाला हूँ, ताकि गाइज अभी भाई पूरे यहाँ पे आप लोग मेरे शॉप के अंदर, मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगा कि लिटरली में मेरे शॉप के अंदर बिल्कुल भी सामान नहीं है। यहाँ पे अभी तुम लोगों को मैं फटाफट में दिखलाता हूँ। चलो गाइज पहले यहाँ पे अपना सेटअप बंद करते हैं, और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी सामान नहीं है, जितने कस्टमर्स आ रहे हैं तो बार बार से वापिस जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लाके आई थिंक फिल कर सकता हूँ, या फिर ये ऑटोमेटिक फिल होगा, ये मुझे भाई बिल्कुल भी इसके बारे में अंदाजा नहीं है। तो भाई कहा गया था कि अपने मतलब इस आइटम को अंदर रख लो और ये ऑटो फिल हो जाएगा। देखो आई डोंट नो भाई ये ऑटो फिल होगा भी नहीं होगा, मेरे को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर यहाँ पे ट्राई करते एक बारी भाई। जैसे कि लिखा था अपने आइटम को रखना है अपने शॉप के अंदर, तो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत आइटम ही मंगाया था, तो गाइस इन सारे आइटम्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर देखते क्या वेंडिंग मशीन काम कर रही है, क्या लोग आ रहे जो भाई वेंडिंग मशीन से प्रोडक्ट को बाय कर पा रहे। तो गाइस जल्दी से जल्दी अभी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भाई बात की थी इन सारे आइटम्स को अपने शॉप के अंदर रखना था, तो ऑलरेडी मैंने जितने भी कोल्ड ड्रिंक तो अपने शॉप में रख ली। अभी बस मुझे ये चेक करना है कि जितने भी लोग आएंगे तो क्या भाई ये मेरे वेंडिंग मशीन को यूज़ कर पाएंगे। उससे पहले मैं कुछ स्नैक्स मंगा लेता हूँ, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास बिल्कुल भी आइटम नहीं है। तो अभी मैं फटाफट गाइस जितने भी स्नैक्स हो सकते हैं तो मैं अभी उतना मंगा लेता हूँ, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास बिल्कुल भी आइटम नहीं है। आप लोग देख सकते हो भाई लिटरली मैं यहाँ पे अभी मेरा जितना भी सामान है वो मैंने यहाँ पे खरीद रखा है, और यहाँ पे मतलब वो अभी बिका तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी यहाँ पे देख सकते हो अभी वेंडिंग मशीन पे तो मैंने तो खरीद लिया, लेकिन अभी मुझे वेंडिंग मशीन को चेक भी करना है। तो बाय द वे गाइस इस वाले वीडियो पे आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर देना। फाइनली हमने स्नैक्स में सारी चीज़ें परचेज कर लिया, इसी के साथ यहाँ पे मैं ब्रेड बहुत सारी परचेज करने वाला हूँ, करीबन मैक्सिमम 12 यहाँ पे इसके भी मैंने क्रेट परचेज कर लिया। और इसी के साथ यहाँ पे मैं मिल्क पे परचेज करने वाला हूँ 12, यानी भाई जितना हम लोग पूरा हाई लेवल में हम लोग परचेज करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे एग भी परचेस कर लेता हूँ जो कि 12, और यहाँ पे फाइनली इन सब का ऑर्डर देने के बाद अभी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अभी फ्रोजन आइटम परचेस करूँगा, जैसे कि गाइस ये हो चुका है चिकन, और यहाँ पे चिकन उकन भी हम लोग परचेस कर लेते हैं, जो कि 12 यहाँ पे मैंने इसे परचेस कर लिया। और उसके बाद मेरे जेब के अंदर बचे हैं सिर्फ $11, लिटरली में गाइस बहुत ज़्यादा कम अभी मेरे पास सामान पड़ा हुआ। और यहाँ पे फटाफट इन सभी चीज़ों के अंदर ये सारा आइटम फिल कर देते हैं। भाई मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने आइटम फिल होंगे, तो ओके गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिकन फिल हो
चुके हैं। इसी के साथ मैं इसका जो प्राइस है वो $15 रख देता हूँ, क्योंकि $8 इसका मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे भी मैं इसको फिल कर सकता हूँ, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे भी इसको फिल कर देना चाहिए जितना भी थोड़ा बहुत बचा होगा। तो यहाँ पे भी इसका $15 रख देते। इसी के साथ यहाँ पे फाइनली हमारा जो चिकन का आइटम है ये मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, और अभी यहाँ पे कस्टमर्स आने लग चुके हैं। पर गाइस यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी मुझे अपना सारा स्टॉक बिल्कुल रिफिल करना पड़ेगा। जैसे कि ये एग की ट्रे, तो एग की ट्रे भी हम लोग फटाफट यहाँ पे फिल कर देते हैं। और इसी के साथ इसका प्राइस है यहाँ पे $1, देखो इसका मार्केट प्राइस है, और यहाँ पे करंट प्राइस मैंने इसका सेट कर दिया। और यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत और बाकी रह गया तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नीचे फिल कर देते हैं। और इसी के साथ गाइस चलो यहाँ पे मैं अपना सारा सामान तब तक मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि गाइस हमारे पास कितना सामान हो चुका है। तो फाइनली गाइस अभी था ये मेरा लास्ट डब्बा, और इसी के बाद मेरा शॉप फाइनली गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और फाइनली गाइस मैंने अपने शॉप को यहाँ पे ओपन तो कर दिया, यहाँ पे गाइस बाहर की तरफ एक मैडम भी आ चुकी है। चलो मैडम हमारा शॉप फाइनली ओपन हो चुका है, और गाइस लिटरली मैं ये देखो ओपन का बोर्ड भी यहाँ पे लग चुका है। और गाइस यहाँ पे शॉप के अंदर तुम लोगों को आइटम दिखा देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्स रख दिए काफी सारे, यहाँ पे थोड़े बहुत जैम, और इसी के साथ गाइस ये देखो भाई हमारी पहली कस्टमर भी आ चुकी है। यहाँ पे मैंने काफी सारे अलग अलग चीजें भी रख ली, और अभी अपडेट में हुआ क्या है तो अपडेट में यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो लिटरली मैं हाथों हाथ चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो गाइस काफी सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे मंगा लिए जो कि गाइस दिखने में काफी बढ़िया। इसी के साथ फ्रिज में ओनली भाई चिकन पड़ा हुआ, और यहाँ पे ओ भाई लिटरली में ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन भी यूज हो रही है। भाई वेंडिंग मशीन यूज हो रही है ना भाई, मेरे को तो लग तो रहा है यार भाई, लोग यहाँ पे आगे खड़े तो हो रहे हैं। ओके गाइस अभी हम लोग यहाँ पे फाइनली और भी सामान मंगा लेते हैं, क्योंकि गाइस हमें क्रॉस करना है पूरे के पूरे $1000 तक। तो इसी के साथ अभी मैं थोड़े बहुत क्लीनिंग के आइटम हो सकते हैं, तो गाइस मैं से फटाफट यहाँ पे क्लीनिंग के आइटम जितने भी हो सकते हैं मैं अभी उतना मंगा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी तो मुझे यहाँ पे $1000 भाई अभी मुझे वो भाई यहाँ पे देखो यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं, और पेप्सी यहाँ से आई थी निकल रही है नहीं निकल रही। ओके यहाँ पे ये लोग देखो ओ भाई यहाँ से मतलब यूरोप परचेज कर पा रहे, तो फाइनली गाइस हमारा वेंडिंग मशीन वो सक्सेसफुली वर्क भी कर रहा है। गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। तो गाइस का $3 प्राइस है, तो फाइनली गाइस हम लोग इसमें $6 डाल लेते हैं। तो अभी गाइस यहां पे जितने भी और भी मैं स्टॉक लगा रहा, तो गाइस वो सभी चीजें मैं यहां पे फटाफट लगा रहा हूं, ताकि गाइस जितना भी हमारा माल है वो हाथों हाथ बिके। और यहां पे तुम लोग देख सकते हो हमारी अर्निंग्स हो रही है वो काफी तेजी तरीके से बढ़ रही है, और गाइस गेम के डेवलपर ने काफी बढ़िया किया है। आप लोग तो देख ही सकते हो भाई हमारे शोरूम पे या मतलब स्टोर पे काफी अच्छा तरीके से सामान भरा हुआ, और ये देखो गाइस हमारे चिकन गन्स भी बिक रहे हैं। और आई थिंक इसका $15 एकदम प्राइस बिल्कुल ठीक है, आई थिंक थोड़ा हमने इसे कम करना चाहिए। तो ओके गाइस मैंने यहाँ पे इसका $12 कर दिया, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका प्राइस मुझे हाई लग रहा था, तो मैंने इसे $12 कर दिया। इसी के साथ हमारा जो सेल आप लोग देख सकते हो अभी गाइस जितने भी कस्टमर आ रहे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं, मेरे को लगता है ओके गाइस ये लोग जूस भी लेके जा रहे हैं। भाई हमारा वेंडिंग मशीन तो देखो भाई लिटरली में भाई रियल में वर्क कर रहा है, मतलब हर एक बंदा भाई वेंडिंग मशीन पे आ रहा है भाई लिटरली में। और ये देखो इसका तो अलग ही जलवा है भाई, ये क्या बाहर से क्या कर रही है गाइस, अभी भी लगता है गेम के अंदर ग्लिच है भाई। ये देखो ये बाहर के अंदर से सामान ले रही थी भाई यहाँ पे, तो ओके गाइस इसी के साथ साथ अभी हमारा स्टोर काफी बढ़िया तरीके चल रहा है। आप लोग देख सकते तो मैं $149 भी हो चुके हैं भाई लिटरली में। अभी यहाँ पे देखते हैं जनरल पे जाते हैं, अभी मैं थोड़ी बहुत फिश बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है गाइस अभी मुझे फिश भी बाय कर लेना चाहिए, और अभी मेरे को अपने शॉप पे फिश भी बेचना है। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे फिश भी ऑर्डर कर दिया, और आप लोग देख सकते हो और जितने भी मेरे जो सप्लाईज है जो कि अंदर रखे हुए कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड ड्रिंक्स आई थिंक वो लग रहा है मेरे को ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल हो रहे होंगे। तो फटाफट गाइस मैं अपने यहाँ पे फिश का जो भी कैन है तो मैं वो उसको यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि फाइनली हमारी जो फिश भी है वो भी आ चुकी है। इसका $3 प्राइस है, इसको भी हम लोग $6 के अंदर बेच देते हैं। और ये देखो काफी अच्छे से हमारा जितना भी न्यू प्रोडक्ट है वो सारे अच्छे तरह से बिक रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें तो भाई लिटरली में खत्म भी होने लग गए। यहाँ पे देखो भाई अभी लिटरली में प्रॉफिट बहुत स्पीड में हो रहा है, यहाँ पे फटाफट गाइस इस बॉक्स को बाहर देख के आते हैं, और आप लोग तो देख ही सकते हो भाई यहाँ पे यार कस्टमर्स की लाइन लग चुकी है, और हर एक कस्टमर्स गाइस हमारी वेंडिंग मशीन से सामान ले रहा है। तो ओके गाइस इसने फाइनली ये भी ले लिया है, और भी मतलब काफी बढ़िया तरीके से गाइस अभी हमारे यहाँ पे देख सकते हो पूरा भरा हुआ, बस मुझे रैपर ये फ्रीजर को भी भरना पड़ेगा, मतलब ये जो क्या है गाइस इसको भी मेरे को भरना पड़ेगा जिसको मैं कोल्ड ड्रिंक से ओके यहाँ पे मैं मतलब कुछ एप्पल जूस हम लोग बाय कर लेते हैं। ओके इसी बाद में कोल्ड ड्रिंक में यहाँ पे फ्रिज में हम लोग ये सब रख सकते हैं। ओके इसी के बाद में हम लोग यहाँ पे एप्पल जूस का कहाँ गया गाइस स्टॉक, ओके एप्पल जूस तो आई थिंक इधर होगा, नहीं गाइस एप्पल जूस ये रहा हमारे पास। अभी मुझे एप्पल जूस को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि एप्पल जूस की जो सेलिंग है वो लिटरली में काफ़ी बढ़िया होती है। तो यहाँ पे भाई मैंने कुछ ज़्यादा ही
एप्पल जूस बाय के लिए तो मैं $169 का ही एप्पल जूस बाय कर रहा हूँ, क्योंकि एप्पल जूस की भाई डिमांड है, जो भी जिस चीज़ की डिमांड है ना वही मैं अपने शॉप के अंदर रख रहा हूँ। जैसे गए इस एप्पल जूस, ये इसकी ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल होती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एप्पल जूस भी मंगा लिया, जो कि मैंने कम से कम $150 का मंगाया, जो कि गाइस काफ़ी महंगा है। और मैं इसको $10 के अंदर यहाँ पे इसका प्राइस सेट कर दे सकता हूँ। और इसी के साथ मैं सेकंड ड्रॉ भी मैं इसको फिल कर रहा हूँ, इसका भी मैं यहाँ पे $10 यहाँ पे प्राइस रख देता हूँ। तो चलो गाइस हमारा जो एप्पल जूस है वो भी यहाँ पे हो चुका है, और पैसे देख सकते हो भाई अभी मिनट मिनट में हमारे पैसे डबल हो रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग देखो भाई $121 मैंने अभी के अभी खर्च किए, तुरंत के तुरंत भाई उतने पैसे दोबारा से मेरे पास आ चुके। तो फटाफट गाइस और भी एप्पल जूस को हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, इसी के साथ नीचे वाले रो पे अंदर भी एप्पल जूस लगा लेते हैं। लिटरली मैं एप्पल जूस की जो सेलिंग है वो बहुत ज्यादा तेजी तरीके से बढ़ रही है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके बाद भी मैं एप्पल जूस का जो प्राइस। और फाइनली गाइस अभी मैं आपको अपना शॉप दिखाता हूँ भाई, अभी लग रहा गाइस हाँ भाई हमारा शॉप बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके चल रहा है। आप लोग तो देख सकते हो भाई कस्टमर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं हमारे शॉप के अंदर, और अभी भी आप लोग देखो कम से कम एक बारी में दो ही कस्टमर आ रहे हैं भाई अभी भी। पता है इस गेम के मतलब गेम के डेवलपर अगर आप लोग ये वीडियो को देख रहे हो तो भाई इस तरफ से भी लोग आए और मतलब काफी ज्यादा भीड़ लगे, मतलब हाँ भाई एक दो कस्टमर आए तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, कम से कम 5 से 6 कस्टमर मतलब 3 से 4 आए ना तो भाई ये मतलब शॉप थोड़ा भरा भरा लगेगा। और एम्प्लॉय बेसिकली भाई एम्प्लॉय यहाँ पे एक होना चाहिए 100%। गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और आप लोग तो देख सकते हो भाई कितने सारे सप्लाईज हमारे पास फाइनली आ चुके हैं, और भाई काफी ज्यादा हमारा जो शॉप है वो भरा भरा सा लग रहा है अभी तो मुझे लग रहा है। और भी हमें यहाँ पे मतलब ये वाले फर्नीचर ये जो है जिस तरीके से यहाँ पे रो लगे हुए ये वाला हमें और खरीद लेना चाहिए, ताकि गाइज हम लोग यहाँ पे भी और भी सारी जगह जो भर पाए। अभी मेरे को लगता है नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कॉमेंट करोगे कि इस नेक्स्ट वीडियो में कि हमें क्या अपने शोरूम मतलब ये शॉप को बड़ा करना चाहिए मतलब एक्सपेंड करना चाहिए, जो कि $2000 का है, अगर आप लोग नीचे वीडियो के अंदर 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो पक्का नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपने शॉप को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला। तो भाई अभी मेरे को भी लग रहा है इसका जो प्राइस है वो लिटरली मैं अभी भी हाई चल रहा है, ताकि गाइज यहाँ पे लोग आ रहे हैं पर इस चीज़ को खरीद नहीं रहे, मतलब गाइज ये जो चिकन है वो हमारा बिल्कुल भी बिक नहीं रहा, तो मैंने इसका प्राइस दोबारा से कम कर दिया, जो कि गाइज अभी काफ़ी अच्छे अपडेट में कर दिया गया, मतलब हम लोग इसके प्राइस को दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और अभी मैं अपने शॉप के अंदर पिज़्ज़ा वीज़ा भी रख सकता हूँ, यहाँ पे देखो सारे आइटम धीरे धीरे हमारे सेल हो रहे, और इसी के साथ $200 बहुत जल्दी क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थोड़े बहुत हम लोग फर्नीचर भी मंगवा ले, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक $99 का एक फर्नीचर भी मंगा लिया, जो कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी फास्ट बाई होम डिलीवरी हो चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पे अभी मैं इस वाले चीज़ को यहाँ पे मैं इस तरफ रख देता हूँ, ताकि गाइस ये थोड़ा सा हमारा और भरा भरा सा लगे। तो यहाँ पे फाइनली एक और फर्नीचर हो चुका है, जिसको मैं आई थिंक मूव नहीं कर सकता यार भाई, यही तो भाई थोड़ी बहुत दिक्कत है अभी भी गेम के अंदर कि हम लोग भाई यहाँ पे मतलब खुली शॉप के अंदर फर्नीचर को मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे फर्नीचर के अंदर हम लोग रखे क्या, तो यहाँ पे हम लोग जनरल के अंदर चीज़ें देख लेते हैं जो भी हम लोग फर्नीचर के अंदर रख सके। ऑयल ऑयल मंगा लेता हूँ मैं, थोड़े बहुत ऑयल मंगा लेते हैं, तो ऑयल भी मैंने ऑर्डर दे दिया। इसी के साथ मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे टोया राइस, ओके ये टोया राइस भी बढ़िया प्रोडक्ट लग रहा है मेरे को, ओके गाइस फाइनली हमने टोया राइस ही मंगा लिया। और यहाँ पे बिग कैन फिश है, बिग कैन फिश तो हमने खरीदा, मतलब स्मॉल कैन करता है पर ओके भाई इट्स ओके गाइस हमने स्मॉल कैन ही हमारा काफ़ी है। यहाँ पे कैचअप ले लेते हैं हम लोग 8 पाउच कैचअप के ले लेते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग मेयो भी ले लेते हैं, जो कि हम लोग साथ ले लिए, ओके इसी के साथ उसका बिलिंग भी, और भाई हाथों हाथ बिल भी करते जा रहे हो। यहाँ पे कॉफ़ी ब्लैक पाउडर, ओके गाइस फाइनली हमारा जो कि कॉफ़ी ब्लैक पाउडर और एक ऑरेंज जूस, ओके गाइस फाइनली हमारा जो भी जितना भी आइटम था वो लिटरली मैं हमारे बाहर शॉप के अंदर आ चुका हुआ आई थिंक, मुझे तो ये लग रहा है। तो गाइस जल्दी से जल्दी अभी हम लोग इस वाले शेल्फ के अंदर हमारे न्यू आइटम्स को फटाफट फिल करते, जैसे कि हमारा ये ऑरेंज जूस जो कि मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया सी $4 इसका प्राइस है, तो मैं इसको $6 के आई थिंक बेचूंगा, तो चलो उसके अंदर भी हम लोग $2 का ही प्रॉफिट करेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को बेच देते हैं और हम लोग इधर रख देते हैं, यहाँ पे है मेयो, तो ओके गाइस अभी मैं यहाँ पे मेयो नीचे वाली शेल्फ के अंदर रख देते, ताकि गाइस यहाँ पे भी भाई थोड़ा बहुत भरा भरा सा लगे। और लिटरली में अभी हमारा जो अर्निंग है काफ़ी ज़्यादा धीरे हो रहा है, पर गाइस मेरे को लग रहा है भाई समय समय पर हमारी अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर्स आएंगे तो गाइस यहाँ पे और भी ज्यादा भीड़ लग जाएगी। तो ओके आप लोग देख सकते हो अभी तो मेरे को लग रहा है कि गाइस कोई बंदा यहाँ पे, अभी तो हमारी कैंस भी खत्म होने वाली होगी। ओके गाइस देखे तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो सोडा था तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, ओके यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ उसके अंदर भी, यहाँ पे प्रोडक्ट तो सब में भरा हुआ है, यहाँ पे हम लोग खरीद तो रहे पर हमारा आई थिंक मेरे को लग रहा है भाई बिग कमरा है ये सब, ओके 6-6 पड़े हुए, यहाँ पे इसको भी खोल के देखते हैं, सब में तो 6-6 ही, अभी मैं थोड़ी देर
बाद आके देखूंगा कि हमारे ये सारे प्रोडक्ट बिक रहे या फिर नहीं बिक रहे भाई, हमें मतलब कम हो रहा है नहीं हो रहा। तो ओके तब तक हम लोग ये वाली शेल्फ को हम लोग फिल कर लेते हैं, जो कि हम लोग नए ये कॉफी पाउडर है। ओके गाइज, हमने फाइनली यहाँ पे कॉफी पाउडर भी परचेज कर लिया, जिसका $10 प्राइस है। तो यहाँ पे मैं इसको $15 कर देता हूँ। और गाइज हम लोग जल्दी हम लोग $1000 के अंदर भाई पहुंच जाएंगे, और लिटरली मैं वेंडिंग मशीन प्रॉफिट देख सकते हो। $40 का भी नोटिफिकेशन भी आ रहा है भाई, वेंडिंग मशीन का जो प्रॉफिट है वो लगभग हमारा $40 का हो रहा है। और यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ भी शेल्फ नहीं है। तो गाइज मैं अपने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो शेल्फ है वो इधर लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे सारी जगह भरी हुई है, और यहाँ पे कहीं पर भी शेल्फ एक जगह तो है। और ये बंदा भाई बहुत देर से खड़ा हुआ है भाई, क्या दिक्कत है भाई यहाँ पे, पता नहीं इसको ये आखिरकार ये बंदा अटक क्यों गया। गाइस यहाँ पे बहुत देर से देख रहा हूँ भाई, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है एम्प्लॉय। अच्छा गाइस यहाँ पे हमारे देख सकते हो एम्प्लॉय भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इसी के साथ ओ भाई अभी बंदे हमारे से भी प्रोडक्ट को लेने आएंगे। ओ भाई ये तो और भी बढ़िया हो गया यार, मतलब अब हमें भी थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, बंदे जो कार्ड वाले बंदे हैं। अच्छा भाई मैं सभी सोच रहा था ये बंदा उतने देर से खड़ा क्यों है, मतलब जिसके पास कार्ड है वो थोड़ी मतलब वो भी यहीं पे। और एंड डे, फाइनली एंड डे का नोटिफिकेशन आ चुका है। मेरे को लगता है हमें जो अपने शॉप्स को है ये क्लोज कर देना चाहिए, और जितने कस्टमर्स है पहले वो अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एंड डे कर देंगे। और यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट है ये मैं अंदर रख देता हूँ, क्योंकि कभी भी भाई अगर ग्लिच हुआ तो ये सारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिक गायब भी हो सकता है। तो मैं ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला, क्योंकि इस काफी मेहनत से मैंने ये सामान मंगाया था। यहाँ पे $400 इजी पीजी तरीके से हम लोग क्रैश कर चुके हैं, वो भी इतनी जल्दी। और बाय द वे गाइस इन कस्टमर को अटेंड करने के बाद मैंने अभी मुझे अपना शॉप को बंद कर देना चाहिए। तो लेट्स गो, यहाँ पे मैंने अपने शॉप को बंद कर दिया, और यहाँ पे ये भी बंदा जा रहा है। आई थिंक ये कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो कोल्ड ड्रिंक ले, नहीं तो चले जा। ओके अभी ये भाई वेंडिंग मशीन से भी कोल्ड ड्रिंक ले रहा है। ओके चल भाई निकल अभी यहाँ से। अभी फाइनली गाइस इसने वेंडिंग मशीन से आई थिंक पैसा डाल दिया, और यहाँ पे इसने ले लिया। और इसी के साथ अभी ये बंदा जा रहा है, मैं डे पे चेक कर लेता हूँ। और टोटल प्रॉफिट मैंने भाई काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुके, टोटल डे में मैंने प्रॉफिट किया। तो बाय द वे गाइस इस वाली वीडियो को 2000 लाइक का टारगेट तो इजी पीजी तरीके से तो हो ही जाना चाहिए। साथ साथ अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप लोग देख सकते हो मेरा लेवल 5 बहुत जल्दी तरीके से क्रॉस होने वाला। और मुझे भाई $800 भाई ये कहाँ से आ गए, लगता है इस गेम के अंदर प्रॉफिट भी हमें मिलने लग चुका है, मतलब बोनस मिलने लग चुका है। $800 आप लोग देख सकते हो भाई। सबसे पहले तो यार आप लोग अपना शॉप को है जो कि ओपन कर देते, और ये वाला गेट क्यों नहीं खुल रहा है। तो ओके गाइस पानी हमारा गेट भी खुल चुका है। इसी के साथ हमारे जितने भी सप्लाईज थे तो वो लग चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि गाइस देखो अभी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म नहीं हो रही, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस अभी हम लोग इन कोल्ड ड्रिंक्स को यहाँ पे हम लोग फिल कर दे। तो आई थिंक ये भी फिल किधर फिल करे भाई इनको, भाई यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। गाइस अभी हमें लग रहा है अगर हमें और भी प्रॉफिट करना है तो सबसे पहले गाइस हमें और भी जगह मतलब यहाँ पे अपने शोरूम के अंदर जो कि मतलब हमारा शॉप है इसके अंदर हमें और फर्नीचर हमें बाय करने पड़ेंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि गाइस यहाँ पे कैशियर एक तो है, एक और बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैशियर फर्नीचर हम लोग बाय नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मुझे और चाहिए होगा शेल्फ, तो गाइस मैं भी एक और फाइनली शेल्फ मंगा लिया। तो यहाँ पे मैं जो शेल्फ है वो मतलब कम से कम ही मंगा रहा हूँ। और अभी गाइस यहाँ पे कार्ड सिस्टम भी आ चुका, यानी जो बंदे गाइस यहाँ पे मतलब ये खाली खाली जगह नहीं लगेगा, जैसे कि भाई मैंने पिछली वीडियो में बोला था यार कुछ जगह कैसी हो गई थी ना, तो भाई बिल्कुल खाली हो गई थी, तो उससे बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लग रहा था। तो गाइस अभी आई थिंक मेरा शॉप ओपन है, तो गाइस इस वजह से मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा। ओके काफी बढ़िया तो लग रहा है, आई थिंक हाँ ठीक ठाक है। अभी हम लोग सब शॉप ऑफ करेंगे तो बाकी चीजें हम लोग बाद में मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे जल्दी से जल्दी फिल करते हैं, और काफी ज्यादा कस्टमर्स भी आ रहे, जो कि गाइस सुबह में ना हमारे कुछ ज्यादा कस्टमर आते हैं भाई। देखो सुबह सुबह होता है, इन लोगों के घर में सामान खत्म हो जाते हैं। तो गाइस भाई यहाँ पे काफी बढ़िया लगता है। और क्या गेम के डेवलपर ने गाइस अभी अपडेट किया था, तो गेम को क्या हम लोग उस तरफ जा सकते हैं, तो अभी भी यार उस तरफ हम लोग जा ही नहीं सकते यार। सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर, गेम की ग्राफिक्स भी अगर इंप्रूव जाए तो और काफी बढ़िया लगेगा। इसी के साथ वेंडिंग मशीन काफी अच्छी तरीके से अपना काम कर रही है, और यहाँ पे हम लोग भी अपना काम फटाफट कर लेते हैं, जो कि भाई यहाँ पे जितने भी सप्लाईज उसको यहाँ पे फिल करने के लिए रो के अंदर यहाँ पे, तभी तो गाइस लोगों को पता लगेगा कि हमारे पास क्या क्या सामान है। और यहाँ पे $4 का है तो मैं इसका भी $6 यहाँ पे प्राइस कर देता हूँ। बाय द वे इस वाले का जो प्राइस है ना मुझे चेंज करना जरूरत मेरे को लग रहा है, कि गाइस कुछ कुछ चीज़ों का प्राइस यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि गाइस जो सामान यहाँ पे बहुत देर से रखा हुआ है, मतलब जो बहुत कम बिक रहे हैं, देखो गाइस ये वाला जो चोकोस है ये काफ़ी कम बिक रहा है, तो यहाँ पे $10 है। यहाँ पे मैं इसको
$13 कर देता हूँ, आई थिंक ये इसके लिए बेस्ट प्राइस हो सकता है। ओके बाय द वे बाकी सारी चीज़ें तो बिकी रही है, ब्रेड व्रेड भी, ब्रेड थोड़ा बहुत कम बिक रहा है पर कोई बात नहीं। और भी हमारे एप्पल जूस तो भाई वही बात है यार, एप्पल जूस में तो अपनी वही बात है। एप्पल जूस के लिए मैंने के पूरा का पूरा एक रो ही रखा हुआ है भाई लिटरली मैं एप्पल जूस के लिए। और अभी हम लोग यहाँ पे बाकी के जो भी सप्लाईज है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, और यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ें, ये $6 का है तो इसको मैं $10 के अंदर यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, और $800 हम लोग करीब बहुत करीब हो चुके हैं। और $1000 में हो जाए तो भाई आज का ये वीडियो बिल्कुल सक्सेसफुली हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसी के साथ जो हमारा भाई अभी तक ये हमारा भाई सेल ही नहीं हो रहा, लिटरली मैं $8 का है तो यहाँ पे मैं से $9 कर देता हूँ। भाई अभी भाई इसका सेल क्यों नहीं हो रहा गाइस, तुम लोग यार बताओ यार जरा करो कमेंट करके भाई, इतना मैं कम प्रॉफिट करूँ क्या? गेम का लगता है भाई ग्लिच हो गया होगा, लगता है भाई मेरे को लग रहा है कि गेम में अंदर कुछ ग्लिच हो गया होगा। तभी गाइस कुछ आइटम्स है जो कि हमारे भाई बिक ही नहीं रहे यार, जैसे कि देख सकते हो जो भी हमारा फ्रिज वाला आइटम्स है वो बिल्कुल भी सेल नहीं हो रहा, बल्कि यार देखो उसके अंदर ना, पहले इसको जाओ दो मिनट मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो देखो जैसे कि ये आइटम्स है, इसको यार सबसे पहले तो इस डब्बे को फेंको यार, तुम लोगों मैं बताता हूँ कि गाइस हो क्या रहा है। फ्रिज के एक भी आइटम नहीं बिक रहा, तो यार आप लोग वीडियो को शेयर करा करो यार, लाइक सब्सक्राइब करा करो। करंट प्राइस $8 है तो मैं इसको $9 में एक ही डॉलर बस मैं इसका प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो बस $1 प्रॉफिट करने से क्या फ़ायदा भाई, यहाँ पे मैं इसका पूरा का पूरा $10 ही चार्ज करूँ ना। तो यार अभी एक तरफ है पूरे $9 और एक तरफ है हमारा पूरा $10। तो यार अभी बिकेगा तो सही है, नहीं तो भाई हमारे पास स्टॉक तो है। और फाइनली गाइस हम लोग इस वाले कस्टमर के बाद पूरे $1000 हम लोग क्रॉस कर पाएंगे, जो कि अब तक का भाई सबसे खतरनाक टारगेट था। आप लोग देख सकते हो मेरे पास हो चुके $1000, और लिटरली मैं जब ये गेम मतलब ये वाला डे का एंड होगा तभी मैं वीडियो को एपिसोड को ये वाला जो एपिसोड है तभी मैं बंद करूँगा। और इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग भाई कुछ और नई नई चीज़ें खरीद ले, जैसे कि एम्प्लॉई सोल्ड है यहाँ पे 5। ओके भाई सब कुछ ठीक है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस अभी हम लोग और भी आइटम्स कर दे, जैसे कि यहाँ पे जितने यहाँ पे मैं 2 फर्नीचर मंगा लेता हूँ। चलो गाइस इस बार हम लोग 2 फर्नीचर पे ये वाला शेल्फ मंगा लिया है जो कि काफ़ी बढ़िया। इसी के साथ यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो क्लोज है एक बार ही बंद हो जाए, और यहाँ पे जो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा बहुत मूव करने के लिए, तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत मूव करके ना मैं आगे की तरफ रखने का ट्राई करूंगा, जो कि मैं इसके साथ रखूंगा। ओके गाइस यहाँ पे ट्राई तो करते हैं इसके साथ रखने का। ओके अभी हाँ भाई हाँ अभी थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ओके फाइनली चलो यार फटाफट अपने शॉप को ओपन करते हैं, और ये लिटरली मैं हमारा जो ये कस्टमर है जब तक जाएगा नहीं ना तब तक हमारा शॉप ओपन नहीं हो सकेगा। तो भाई ये भाई साहब यार अभी मैंने क्लोज तो कर दिया, अभी यहाँ पे ओपन करने में टाइम लगेगा। कस्टमर्स आ रहे हैं गाइस, कस्टमर आ रहे हैं भाई, जल्दी बिलिंग करवा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे फाइनली ओपन भी कर दिया मैंने जैसी इसकी बिलिंग हुई, और इसके बाद चलो भाई कुछ ठंडा वंडा कोल्ड ड्रिंक ले लो भाई। यहाँ पे देख सकते हो डोनट रखा हुआ, और भी काफ़ी चीज़ें रखी है, कोका कोला कैंपा कोला, ओके काफ़ी चीज़ें, इससे भी हमारा काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है। इसी के साथ मेरा कोई शेल्फ खाली हुआ है या फिर नहीं? ओके भाई अभी शेल्फ आई थी, हाँ भाई ओके गाइस शेल्फ आ चुके हैं हमारे बाहर, मेरे को इसको देखना था कि अभी तक आया क्यों नहीं। ओके फाइनली हमारा जो शेल्फ है वो आ चुका है, इसी के साथ अभी मैं यहाँ पे भी शेल्फ को रख सकता हूँ। पर भाई मेरे को तो ये अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, अभी मेरे को यहाँ पे शेल्फ रखना चाहिए, क्योंकि यार भाई मेरे को ये लोकेशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मेरे को लगता है यहाँ पे हमें एक और वेंडिंग मशीन रखना चाहिए, ताकि गाइस अभी अगर कस्टमर्स की और ज़्यादा भीड़ लगी है ना भाई, मतलब और भी ज़्यादा मतलब कस्टमर्स आने लगे, तब मैं वेंडिंग मशीन एक और खरीदूँगा, तभी मैं यहाँ पर रखूँगा। बाय द वे मैं अभी इसको हटाने वाला हूँ, और उसके लिए सबसे पहले अपने शॉप को क्लोज करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, शॉप हो चुका है क्लोज, और अभी मैं इसको मूव करके कहीं पे साइड में, आई थिंक मैं अपने इस वाले जगह के अंदर बिल्कुल भी नहीं रख सकता, और यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ओके गाइस मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस अभी मेरा जो ये वाला एरिया है तो मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ रख देता हूँ, ताकि गाइस थोड़ा सा मतलब भाई जगह बन जाए यार यहाँ पे। यार अभी मैं स्पेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है यहाँ पे, अभी मैं इन चीज़ों को भी यहीं पे मतलब भी किसी तरीके से मैं इसको सोच रहा हूँ भाई यहीं यहीं पे काम हो जाए तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखो भाई अभी पैसा का खर्चा हम लोग थोड़ा कम करने वाले हैं। बाय द वे गाइस तुम लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो यार नीचे मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तभी मैं रिप्लाई भी दे पाऊँगा। और बाय द वे अभी यहाँ पे ये वाला नाइस यहाँ पे स्टोर लेवल अप हो चुका, बाय द वे कंग्रेचुलेशन आप सभी को, हमारा जो स्टोर का लेवल है वो अप हो चुका है। और आप लोगों को फटाफट गाइस वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर देना है। आ जाइए सर हमारा शॉप ओपन हो चुका है, जी हाँ सर आइए, ये हमारा न्यू शॉप, आइए सर हमारा शॉप ओपन हो चुका है, ये देख सकते हो मेरा भाई ओपन का यहाँ पे साइन आ चुका है। अच्छा भाई अभी आएगा ना ये। ओके गाइस फाइनली हम लोग $1000 तो कंप्लीट कर चुके हैं, इसी के साथ जितनी भी मेरे सप्लाईज एक्स्ट्रा थी
तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइस हम लोग यहाँ पे उसको फिल कर दे, क्योंकि भाई इनको रखने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जितना भी हो सकता है हम लोग उसको फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको फिल भी कर दिया। इसी के साथ भाई हमारा यहाँ पे जितने भी फालतू के बुक्स है अभी मुझे ट्रक्स पे जाके फटाफट यहाँ पे बाहर फेंक देना। और यहाँ पे हमारा भाई यहाँ पे स्टोर भी काफी बड़े तरह से, पर भाई ये आइटम्स है ना ये वाले फ्रिज वाले काफी कम बिक रहे हैं यार। अभी मुझे सोच समझ के फ्रिज के आइटम को आगे बाहर से लेना ही नहीं है भाई, अगली बार से तो मैं इसे लूंगा ही नहीं भाई। अगर बिकेगा ही नहीं तो भाई मैं क्यों लूँ यार पैसे बर्बाद करके। इसी के साथ एम्प्लॉय भी मेरा काफ़ी तगड़ी तरीके से काम कर रहा है, और यहाँ पे अभी मैं काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज़ को भी रख पा रहा हूँ। भाई मेरे को तो लग रहा है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने अपना स्टोर अपग्रेड करना चाहिए भाई, मेरे को लग रहा है। ओके भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम अपना कुछ टारगेट रखेंगे, अगर वो टारगेट जल्दी से जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कहा इस कॉमेंट नहीं किया तो कॉमेंट जरूर से जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा क्या टारगेट हो। अगर वो टारगेट कम्प्लीट हो जाएगा तो पक्का गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं भाई अपने स्टोर को अपग्रेड करूंगा। तो गाइस यहाँ पे फटाफट अभी हम लोग ये लास्ट का जो सामान है तो वो भी हम लोग रख लेते हैं। इसी के साथ बाहर भी एक फर्नीचर पड़ा हुआ है जो कि गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको किधर करूँ भाई। लिटरली मैं यार अभी मेरे को इस फर्नीचर पे सोचना ही पड़ेगा। लिटरली मैं जो हमारा वेंडिंग मशीन देखो भाई, ये लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहा है। बाय द वे गाइस इस वाली वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बैल वाले आइकन पर ऑल भी क्लिक कर दो, क्योंकि जो हमारा वेंडिंग मशीन है भाई बिल्कुल यार नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे गाइस इसके अंदर लुक्स भी काफ़ी अच्छी आ रही है, और जो कि कस्टमर्स भी आ रहे हैं तो वेंडिंग मशीन से ये अपना भाई सामान भी ले पा रहे, जो कि और भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाय द वे गाइस इस वाली वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और यहाँ पे यार फटाफट दो तीन स्क्रीन शॉट भी ले ले तो और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि यार वेंडिंग मशीन फाइनली हमने तुम्हारे भाई ने ले ही लिया है। इसी स्क्रीन शॉट भी यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे गाइस वेंडिंग मशीन के अंदर जो सेल होती है ना ये भी काफ़ी तगड़ी हो रही है गाइस। हमारी जो सेल है यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अलग तरीके के लोग आते हैं ये वेंडिंग मशीन से सामान लेते हैं, और काफी बढ़िया भाई ये भी लोग प्रॉफिट देके जाते हैं। इसी के साथ इसका भी सामान हो चुका, और ये रही हमारी वेंडिंग मशीन। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो पे इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो भाई जल्दी से जल्दी, अगर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो यार आप लोग नीचे लाइक कर देना, राज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। इसी के साथ भाई यहाँ पे डे को खत्म करते करते मैं यहाँ पे जो अपना ये न्यू रो लेके आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई अभी इसको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा गाइस। क्यों ना हम लोग अपने स्टोर के अंदर दो पार्टीशन डिवाइस कर दे, मतलब जिसके अंदर एक पार्टीशन के अंदर, भाई मेरे को तो लग रहा है अभी हमें पूरा इसको रियल वाला स्टोर बना ही देना चाहिए। तो भाई अभी मेरे को ये भी लग रहा है, तो ओके अभी मैंने यहाँ पर ये रख दिया, तो आई थिंक लगता है ये थोड़ी बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो ओके अभी मैं इसको थोड़ा मुझे उधर करना पड़ेगा यार। देखो कम से कम इस वाली लाइन पर रखूँ ना, यहाँ पर दो बंदे आने भाई, अभी मैं इसको बिल्कुल रियल स्टोर का जैसा बनाने के सोच रहा हूँ। यहाँ से भाई एकदम पतली सी वाली गली जैसी आए, इसी तरह इधर भी मैं एक जो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वैसे भी कार्ड वाले बंदे भी आने लग गए। आजकल एक ही बंदा आया था यार, ज़्यादा बंदे भी नहीं आ रहे, मतलब ये मतलब दिन भर में ना पाँच बंदे तो आने चाहिए लगभग। हाँ भाई तुम्हें बोल सकते हो दिन भर में पाँच बंदे आने चाहिए। बाद में गाइस इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। फाइनली हमारा जो टारगेट था $1000 का ये मैंने यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट गाइस नीचे आप लोग कॉमेंट कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मिलेंगे एक और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको और भी नए नए यहाँ पे मैं प्रोडक्ट बाय करूंगा, साथ साथ हम लोग उसके सेल भी करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना। और ये यहाँ पे ये बिल्कुल हाँ इतना सही लग रहा है भाई, इतना गैप आ रहा है ना बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे लोग आ सकते हैं भाई, इधर से भी थोड़ा बहुत सामान लेंगे, थोड़ा सा बहुत उधर लेंगे। मैं यहाँ पे पैसा नहीं खर्च करने वाला भाई $2000, क्योंकि भाई अभी एक्सपेंड तो भाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, लिटरली में बहुत बड़ा हमारा शोरूम हो जाएगा, मतलब ये स्टोर हो जाएगा। बाय द वे तब तक इसके मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग और भी ज़्यादा नए नए हम लोग यहाँ पे इस सामान को मतलब और भी नई नई चीज़ें अनलॉक करने वाले। तो आप लोग गाइस जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो क्या हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये कब तक हमें करना चाहिए अपलोड, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के तब तक के लिए गाइस बाय बाय।